What's up guys? Welcome back to my channel. भाई तू भी बोल दे। Yo yo, Bunny Singh. ये क्या होता है? चलो anyways भाई आए हुए हैं, नजारे पूरे हो रहे हैं। आज निकले हैं भाई enjoy करने। कहाँ कहाँ चल रहे हैं? पहले तो ये तो भाई वीकेंड की तैयारी है। VR मॉल। VR मॉल। यहाँ पे घूमेंगे, मस्ती करेंगे। तो भाई आज VR में आने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे मिल रहे हैं। निंजा इंडियन एंड इधर है वेस्पा एप्रिला, ये है बैनली, भाई आज का बाइक्स का कलेक्शन देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शिमला चले सारे भाई एक एक बाइक उठा के। क्या कहते हो? फाइनेंसर है हमारे साथ में। ये भैया, ये वाले भैया जो रिवैन का कॉपी लगाया जिन्होंने। ओह नो। तो जी फाइनली निकल चुके हैं ऑन द वे फॉर शिमला साधुपुर। देखते हैं साधुपुर शिमला, वो मौके की बात है जहाँ मूड बन जाए। लेकिन ये रश इतना ज़्यादा रश है, पिछले आई गेस हम लोग 5 घंटे से फंसे हैं। चलो फाइनली एंटर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, सोलन 42 शिमला 89। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। सो जी ये रिपोर्ट है, बज रहे हैं अभी 6:20 और ये वेदर है भाई अल्टीमेट। शाम के 6:20 अल्टीमेट वेदर। भुट्टा खाना है? भुट्टा खाना है। रुकते आगे कहीं ठंडे मौसम में भुट्टे का मजा आता है। सो जी फाइनली रीच साधुपुल। साधुपुल ये जगह पड़ती है जब हम शिमला की तरफ जाते हैं, शिमला से जो टनल पड़ता है वहाँ से राइट हमने मुड़ना है चैल, तो साधुपुल वहाँ पड़ता है बेसिकली, वहाँ से 8-10 किलोमीटर की रेंज में। तो फाइनली रीच, ये हमारा कॉटेज है। तो कुछ ऐसा है हमारा कॉटेज, हाँ कहाँ पे ये आप भी देख दोस्त की
दूजी बार भी ब्याह होए सोने दूजी बार भी होया तेरे नाल। हाँ भाई कुछ बोलना चाहोगे? सो भाई साधु पुल पे आके एक जगह मिली है हॉन्टेड। ये लाइट फ्लैश जलाओ मेरे पे, नहीं इधर दिखाओ। ये पूरा हॉन्टेड है, कुछ भी नहीं दिख रहा यार। ये बेसिकली एक हवेली है, पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है। सो भाई फाइनली थोड़ा सा हॉन्टेड फील है, अब वापस जा रहे हैं। भाई है साथ में, भाई नहीं दिख रहा भाई पूरा भूत दिख रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, रात में बहुत लेट हो गया था तो सो गए थे, कोई अपडेट नहीं दे पाया। हॉन्टेड प्लेस पे गए थे, बड़ा फन किया, भाई डर भी रहे थे बट ठीक है, एंजॉय हुआ नेक्स्ट लेवल का। मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो जस्ट फॉर फन है। साधु पुल एक ये जगह है चैल आई गेस 10-12 किलोमीटर पहले है। मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है भाई, ज़रूर आओ। जिसको पीस लेना है, शांत माहौल चाहिए, उसके लिए बेस्ट प्लेस है। कॉटेजेस बने हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लाइन से यहाँ कॉटेजेस बने हैं। आओ, नाइट लाइफ है बढ़िया, मतलब फन करो, अपने साउंड बास ब्लूटूथ स्पीकर्स लाओ, एंजॉय करो नदी किनारे बैठ के, बढ़िया रिकमेंडेड प्लेस है। बहुत कमर्शियल नहीं है जैसे शिमला मनाली है, बहुत पीसफुल प्लेस है, मतलब बहुत ही, एक बार जरूर आओ भाई। सो गाइस कुछ ऐसा व्यू है, ग्रीनरी बहुत है, कॉटेजेस ही कॉटेजेस हैं यहाँ पर। एक वो कॉटेज हमारा, ये कॉटेज। सो जी फाइनली लिविंग साधु पुल। हाँ जी बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस सारे? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया यार, रियली एंजॉयड इट। सीनिक व्यू, गुड फूडिंग, बढ़िया रहना, गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया। रिकमेंड करते हो? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं यार, मतलब आप क्राउड से हट के यहाँ पे आ सकते हैं, सुकून है, सुकून शांति, अपना एंजॉय करो मस्ती से, अपना ब्लूटूथ स्पीकर जो ले आना। तो जी फाइनली कुछ ऐसा था हमारा कॉटेज, ये पीछे रात में हमने, हाँ जहाँ हम रात में गए थे वो है हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हाउस वो है, नहीं बट अंदर थोड़ा सा हॉन्टेड था। ये कुछ ऐसा व्यू है। सो जी फाइनली ब्रेकफास्ट करने अब रुके हैं, क्या नाम है इसका? मॉडर्न हवेली, बढ़िया लोकेशन बहुत अच्छी है। ये देखो नीचे वो स्कूल है, कौन सा था? दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। व्यू बहुत अच्छा है इधर का। सो जी फाइनली ऑन द वे फॉर चंडीगढ़। ये टनल अभी जल्दी बना है मेरे ख्याल से, पहले नहीं था। किसकी याद आ रही है अटल टनल की? भाई हम अभी चंडीगढ़ में यहाँ पे हैं, शास्त्री मार्केट में। भाई अपने बच्चों के लिए क्या क्या सामान ले रहे हैं? एलांटे मॉल, मतलब चंडीगढ़ तो यार एकदम मतलब बेस्ट सिटी है, जो यहाँ का फील है नेक्स्ट लेवल। राइट नाउ ये जो व्यू है, ये व्यू फ्रॉम एलांटे मॉल,
भाई हमारे जा रहे हैं हमें छोड़ के चंडीगढ़ से, गिराएंगे ना। ये इमोशनल टाइम है और ये ब्लॉग भी यहाँ खत्म हो रहा है मेरी जान, क्योंकि ये इमोशनल टाइम हो गया मेरी जान।